दोस्तों, पेनी स्टॉक जितना आकर्षक दिखते हैं उतना ही रिस्की भी होते हैं। यही कारण है कि इस पे दिग्गज निवेशक या कोई दिग्गज एक्सपर्ट इस पे अपना खुलकर रिकमेंडेशन नहीं देता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा पेनी स्टॉक लेकर आए हैं जिस पे IIFL सिक्योरिटीज़ के संजीव भसीन साहब ने रिकमेंडेशन दिया है। स्टॉक की क्वालिटी भी इतनी बढ़िया है कि आप खुद को बाइक करने से रोक नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं। आपको तीन दिन से कन्विक्शन बोल रहा था 735-40, 37-38 में M&M 775-768 बिक गया। प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो बना के रखिए 763 का आप लेवल रखिए, 775 जाएगा। 22-24 रुपए में आपको एस्कॉर्ट का था, देखिए 1165 हो गया है। तो ऑटोज हैव बीन एन आउट परफॉर्मर इन लास्ट टू डेज। I also told you HDFC Bank today is hitting a one week high, 1465 to 1470 is the target. अब दोनों बैंक लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक 36.36 में लीजिए, will come out with stellar numbers, best ever corporate growth on the bond book. 36.36 में लीजिए, 35 का stop loss है, 39.5-40. और कैन बैंक unquestionably the largest bond portfolio after state bank. 45 में लीजिए, 43 का स्टॉप लॉस है, 52-53 का टारगेट। ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया के साथ एक बात और कहना चाहूंगा सर, सैल्यूट टू योर कन्विक्शन। और मेटल्स अच्छा करते हुए, मेटल्स पे आपने बात करी, आपने आईटी पे बात करी, आपने बैंक से बात करी। सर कोई स्मॉल कैप में, मिड कैप में ऐसा कोई हिरन जैम जो आपको नजर आ रहा हो इस वक्त, जो कि जो थ्रस्ट है बाजार में उसको देखते हुए आपको लग रहा हो कि नहीं बॉस इसको चेस करना चाहिए इस वक्त छोटी टिकट साइज में? सर वैसे मैंने वरिंदर ये सोमवार के लिए रखा था, लेकिन आज आपने इंसिस्ट किया तो मैं कह ही देता हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर में JNK बैंक 14-15 पे कहा था जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आज उसका भाव 25 रुपए है, 30 रुपए बिक गया। अब मैं आपको एक स्मॉल कैप बैंक देता हूँ जिसकी मार्केट कैप 1700 करोड़ की है, और उस बैंक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक इज नाउ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द कंट्री। इट इज मूविंग फास्टर देन इवन HDFC बैंक। बी South India Bank has a equity of 180 crore. It just increased that by 30 crore by placing shares at 850 with the top mutual funds of the country. It is the largest player in agriculture and gold loan and treasury income because of the inflow of dollars from Kerala. You can't go wrong in South India Bank. If you have a one-year bank, I'm very bullish on mid-cap banks as a disclosure. This bank is headed to 25 rupees if you have a one-year target. It trades at 0.3 time price to book. You can't go wrong with South India Bank. Secondly, the inflow of currency means on a weak dollar also, it will be one of the biggest beneficiaries on the treasury income. So this would be my dark horse for this year, South India Bank.